हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से। दोस्तों, कंटिन्यूसली कमेंट ये आता है कि पीडीएफ फाइल्स जो यूट्यूब की वेरियस क्लासेस हो रही हैं, ईपीएफओ की, एमसीक्यू क्लासेस हैं जो, उनकी पीडीएफ की कंटिन्यूसली डिमांड आती रही है। ठीक है, हालाँकि मैं हमेशा आपको एक चीज़ बोली है कि पीडीएफ फाइल्स मिल जाने से आप लोग आलसी हो जाते हो। पीडीएफ मिल गया, वीडियो को भी ध्यान से नहीं देखते हैं, चीज़ें समझने की कोशिश नहीं करते हैं, पीडीएफ को पाइलअप करते रहते हैं और अल्टीमेटली पेपर के पास तक आते आते 100-200 पीडीएफ इधर उधर से इकट्ठी करी हुई होती हैं, पढ़ी एक भी नहीं जाती। मैं हमेशा जो नोट मेकिंग है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता रहा हूँ और अभी भी उसी के फेवर में हूँ, लेकिन फिर भी कंटिन्यूसली बच्चे, सर नहीं, पीडीएफ फाइल दो, पेपर पास आ रहा है, हमारे पास टाइम नहीं है, एंग्जाइटी रहती है बच्चों को। तो पीडीएफ फाइल्स यूट्यूब ईपीएफओ क्लासेस की अब आपको मिल जाया करेंगी। कैसे मिलेंगी, कैसे डाउनलोड करनी है, क्या प्रोसेस है, वो मैं आपको बताऊँगा। पर पहले मैं एक और डाउट यहाँ पर बच्चों का लेना चाहता हूँ कि वाई डू आई चार्ज फॉर सम ऑफ द कोर्सेज, कि मैं क्यों कुछ पेड कोर्सेज ला रहा हूँ। जैसे एमसीक्यू कोर्सेज हैं आपके, 500 एमसीक्यू कोर्सेज है आपका, काफ़ी बच्चों ने उसको परचेज भी किया, तो क्यों इस तरह के कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं? सर आप फ्री में क्यों नहीं दे रहे सारा मटेरियल? सबसे पहले इसके मैं आपको कुछ रीजंस देना चाहता हूँ और वो रीजंस मेरे नहीं है, वो आपके लिए और आने वाले बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत ऑनेस्टली यहाँ पर चीज़ें बताऊँगा आपको, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ लिपापोती करके आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें मोनोपोली से लड़ना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हो कि कुछ ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो मोनोपोली क्रिएट करने के रास्ते पर निकल चुके हैं। जनरली क्या होता है, यूट्यूब पर कोई भी पढ़ाना शुरू करता है या कोई भी नया एजुकेटर आता है, वो फ्री 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 के पीछे पढ़ा रहता है, क्योंकि बच्चे भी फ्री दो फ्री दो, ये फ्री दो, वो फ्री दो, सब कुछ फ्री मांगने में लगे रहते हैं। पर आप ये समझने की कोशिश नहीं करते कि कोई भी अगर प्रोफेशनल एजुकेटर है, अगर मैं एक प्रोफेशनल टीचर बनना चाहता हूँ तो कुछ ना कुछ रिसोर्स मुझे चाहिए। अल्टीमेटली अगर मैं सब कुछ आपको फ्री में दे रहा हूँ तो मेरे पास एक दिन XYZ इंस्टीट्यूट आएगा, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो एक $1 बिलियन प्लेटफॉर्म बन चुका है, वो मेरे पास आएगा, वो कहेगा कि यार मैं तुझे 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये महीने देता हूँ, तू अपना यूट्यूब चैनल मुझे भेज दे और तू अब से मेरे चैनल पर पढ़ाना शुरू कर दे। ये जो $multi-billion अब बन चुके हैं ना आपके एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स, ये इसी तरह से आए थे मार्केट में कि हमें फ्री दो, हम फ्री देंगे सब कुछ, और बच्चे इस लालच में फंसते चले गए। अल्टीमेटली ये सारे जो छोटे एजुकेटर्स थे उनको खा गए। अब क्या होगा, धीरे धीरे आपने देखा कि पहले ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे थे, मैं किसी भी का भी नाम नहीं लूंगा क्योंकि देन इट कैन क्रिएट अ लीगल प्रॉब्लम फॉर मी। पहले ये कहते थे हम सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, हम एजुकेशन को इंडिया में फ्री करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। अल्टीमेटली वो पेड प्लेटफॉर्म के ऊपर चले गए और धीरे धीरे वो क्या करेंगे, जब मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, आप देखते हो कि आप डेली न्यूज पढ़ते हो कि इस ABC इंस्टीट्यूट ने, इस ABC ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने इस प्लेटफॉर्म को एक्वायर कर लिया, अल्टीमेटली क्या होगा, एक मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी एजुकेशन में, और वो मोनोपोली फिर जो बच्चों से चार्ज करेगी वो बच्चों को पे करना पड़ेगा। तो इससे लड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे लड़ने के लिए आपको जो टीचर्स हैं, जो अच्छे टीचर्स हैं, अब वो आपका सर्टिफिकेशन है कि आप ये कहते हो कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ या नहीं पढ़ाता हूँ, मैं उसमें कुछ अपने आपको ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, ठीक है, वो आपके ऊपर है जज करना। तो अगर आपको लगता है कि कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो आपको उसको सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनेंशियल हेल्प के बिना आज की डेट में कोई भी टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता लॉन्ग टर्म में। अल्टीमेटली जो फ्री में पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, उनका एम यही होता है कि किसी तरह से उनको XYZ इंस्टीट्यूट उठा करके ले जाए। दूसरी चीज़, एजुकेशन अफोर्डेबल तभी बन सकती है अगर आप सपोर्ट करते हो। आप हमेशा, मैं बच्चों को देखता हूँ जो बच्चे पे कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि फ्री कंटेंट नहीं होना चाहिए, फ्री कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, हम बच्चों को सपोर्ट करें उन बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं वो भी सिर्फ फ्री 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 ढूंढते रहते हैं। हमारी आज की जनरेशन की सोच बच्चों कैसी हो चुकी है, हम 300 रुपये की कॉफ़ी पी लेंगे स्टारबक्स पे जा करके,
पर हम 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये अगर किताब के ऊपर खर्चने की बात आ जाए या एजुकेशन के ऊपर खर्चने की बात आ जाए, हमारा दिमाग हिल जाता है यार मैं 100 रुपये खर्चूँ, पहले मैं देख लेता हूँ कि अब तक टेलीग्राम पे कहीं पे ये फ्री मटेरियल मिल रहा हो, गूगल करके देख लेता हूँ कि अब तक कोई फ्री मटेरियल मिल रहा हो। ये फ्री मटेरियल देने वाले आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं और कुछ नहीं, अल्टीमेटली ये आगे चल करके बहुत नुकसान करने वाला है, ठीक है। एजुकेशन अफोर्डेबल, अब कई बच्चे कहेंगे सर आपके खुद के कोर्सेज इतने महंगे हैं, मेरे पास बच्चों के आते हैं सर आपने 1200 रुपये का कोर्स रखा है कॉम्बो। बेटा आप जितने बच्चे, जितने लोग ईपीएफओ पढ़ा रहे हैं, कौन आपको 500 प्लस क्वेश्चंस एमसीक्यूज देने की कमिटमेंट कर सकता है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के या इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ के, ठीक है, कोई भी नहीं कर सकता। और जो आपके एमसीक्यू कोर्सेज हैं उनमें आपको एड ऑन बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं, अभी हम मॉक टेस्ट लेकर के आएंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, उसमें सारी पीडीएफ फाइल्स वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी उसमें, ठीक है। किसी भी टाइम बच्चे मेरे को कॉल कर लेते हैं, व्हाट्सएप कर लेते हैं, हमेशा उनका कॉल उठता है, कौन टीचर आपको इस तरह की सर्विसेज देता है, कोई भी नहीं, ठीक है। अल्टीमेटली सबने पेड वर्जन पर जाना है, लेकिन डिसाइड आपने ये करना है कि आपने किन टीचर्स को सपोर्ट करना है, क्या आप मोनोपोली की तरफ जाना चाहते हैं या नहीं। कंप्लीट एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, मेरे यूट्यूब के सेशन है, बच्चे आज भी कहते हैं सर मैं आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ का कोर्स खरीदना चाहता हूं, क्या कोई पेड कोर्स है। मैं उसको कहता हूं नहीं यार फ्री कोर्स है यूट्यूब पर, अगर मैं कुछ करा रहा हूं यूट्यूब के ऊपर तो वो मैं कंप्लीट कराऊंगा उसको, फिर मैं ऐसे नहीं करूंगा कि यार मैं थोड़ा यूट्यूब पर करा देता हूं, ठीक है, फिर मैं बच्चों को कहूंगा कि यहां पर आके मेरा पेड कोर्स खरीद लो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मैं एमसीक्यूज करा रहा हूँ, मैं एमसीक्यूज इतने डिटेल में आपको कराने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका जो वो टॉपिक है वो कवर हो जाए, तभी मैं थोड़े थोड़े एमसीक्यूज लेता हूँ, नहीं तो कराने को 15 मिनट में 15-20 एमसीक्यूज बहुत आसानी से कराए जाते हैं, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आंसर, चल नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट, पर एक्सप्लेनेशन कौन देगा। तो कंप्लीट एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करनी है हमने, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म लेकर के आना है ऑनलाइन एजुकेशन में, कोई भी आजकल ऑनलाइन एजुकेशन में आ रहा है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है, ठीक है, पढ़ाने का तरीका नहीं है, बस घुसते जा रहे हैं। और बड़े सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आप देखोगे जो ये मल्टी बिलियन डॉलर मिलियन डॉलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं, ये क्या करते हैं, उठा लेते हैं किसी को भी पढ़ाने के लिए, क्योंकि यूजर बेस इनका बन चुका है, सब्सक्राइबर्स इनके लाखों में हैं, तो किसी को भी उठा करके ले आए हो जाएगा। पर क्या आप ये देखते हो कि कहां पर प्रोफेशनल एजुकेशन है, मैं नहीं कह रहा कहीं पर भी नहीं है, बहुत सारे अच्छे प्रोफेशनल एजुकेशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन बहुत कम है वो, अभी सिर्फ भीड़ है। इस भीड़ को खत्म करना है तो आपको कुछ जो है एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, एंड अल्टीमेटली मैं अपने खुद के एफर्ट्स को रिवॉर्ड भी करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि ये सब मैं सिर्फ सोसाइटल बेनिफिट के लिए, नो अगर आप एक प्रोफेशनल टीचर को चाहते हो तो आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हर किसी की होती है। अगर आप ईपीएफओ में एओईओ बनने की कोशिश कर रहे हो तो आप भी ये देखते हो कि सैलरी कितनी मिलती है, कि भाई 60,000-70,000 मेरी सैलरी होगी, सैलरी देख करके आप अपनी करियर प्लानिंग करते हो। सिमिलर करियर प्लानिंग हमारी भी होती है, जो आपको बोल रहा है यूट्यूब पर कि बस मेरा यही धर्म है कि मैं फ्री में सबको पढ़ाता रहूं। बहुत सारे लोग 2014-15 में ऐसे इंस्टीट्यूट आए थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, हम फ्री में पढ़ाएंगे, एजुकेशन को फ्री कर देंगे, एजुकेशन रेवोल्यूशन ले आएंगे, वो कहां गए, अब वो पेड वर्जन में चले गए और मोनोपोली क्रिएट करने के रास्ते पे हैं। जो फ्री पढ़ा रहे थे वो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि ये कंटिन्यूअस एफर्ट्स चलते रहे तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर भी अगर कोई नहीं पे कर पाता, अफोर्ड नहीं कर पाता, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज करना है 9041244689 पर, या फिर आपने एक मुझे ईमेल लिख करके भेज देनी है sikshit@gmail.com पर कि सर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, चाहे मेरा कोई 100 रुपये वाला कोर्स है, चाहे कोई 1200 रुपये वाला कोर्स है, चाहे 12,000 वाला कोर्स है, चाहे जितने मर्जी वैल्यू का कोर्स है, आप अगर 100 रुपये वाला कोर्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते, आपने मुझे व्हाट्सएप कर देना है सर ये कोर्स मेरी अफोर्डेबिलिटी के बाहर है, पर मैं ये कोर्स चाहता हूँ, बताओ क्या सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन मैं आपको दूंगा। अगर आप जेन्युइन में अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं कोई बैकग्राउंड चेक नहीं करने वाला, ये सिर्फ आपकी ईमानदारी होगी, आपने एक बार मेरे को मैसेज कर दिया सर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके बाद मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा, ठीक है, कि किस तरह से आपको वो कोर्स मिल जाएगा वो हम अपने आप डिस्कस कर लेंगे, आपने बस व्हाट्सएप या मेल करना है, ठीक है जी। अब बात करते हैं पीडीएफ फाइल्स फॉर यूट्यूब सेशंस कैसे डाउनलोड करनी है। बहुत चीप प्राइस इसका रखा गया है, 99 रुपीज में आपको सारी जो है पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी, जितने भी यूट्यूब के ईपीएफओ के सेशंस हो रहे हैं। कैसे मिलेगी वो मैं आपको दिखा देता हूं। आपने कुछ नहीं करना, आपने कंप्यूटर के ऊपर जाना है www.siksha.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उसके ऊपर जाएंगे,
नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आर कोर्सेज में आपको पीडीएफ फाइल्स ऑफ यूट्यूब ईपीएफओ क्लासेस दिखेगा। इसके ऊपर जाएंगे तो ये ऐड टू कार्ट करेंगे 99 रुपीज। इसमें कोई हिडन चार्जेस, कोई कन्वीनियंस चार्ज नहीं लगेगा आपका, सिर्फ 99 रुपीज आपको पे करना है और आपको पीडीएफ फाइल्स इन सब सेशंस की मिलनी शुरू हो जाएंगी, चाहे वो करंट अफेयर्स है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, पॉलिटी, जनरल साइंस, सोशल सिक्योरिटी, इंडियन इकोनॉमी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इन सारे लेक्चर्स की पीडीएफ आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर कोर्स कंटेंट में जाएंगे तो आपको ये भी दिखता रहेगा कि कितनी कितनी पीडीएफ अभी तक अपलोड हो चुकी हैं, हर के आगे नंबर ऑफ पीडीएफ फाइल्स अपलोडेड मिल जाएगा। जब तक पेपर आएगा आप देखोगे कम से कम 200 से 300 पीडीएफ फाइल्स आपकी, आपके उससे ज्यादा ही होंगी, मिनिमम 500 पकड़ के चलो कम से कम हो जाएंगी, क्योंकि लेक्चर्स कंटिन्यूअसली ऐड होते जा रहे हैं। 100 पीडीएफ, 100 लेक्चर्स तो हमने करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट के ही करने हैं। ओके, तो चिंता बिल्कुल उस चीज की आपने नहीं करनी है। ओके, कोर्स ऐड आपका वहां से हो जाएगा। 100 रुपीज बहुत इजीली आप इसको अफोर्ड कर सकते हो। फिर भी अगर अफोर्डेबिलिटी में कोई इशू आता है तो आपने मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये रही। ओके, चलिए, किसको ये बाय नहीं करना है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिन्होंने कोई भी ऑलरेडी एमसीक्यू कोर्स ईपीएफओ का परचेज किया हुआ है, चाहे वो कॉम्बो कोर्स है, चाहे वो गैप का इंडिविजुअल कोर्स है, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस का इंडिविजुअल कोर्स है, या फिर वो सोशल सिक्योरिटी का इंडिविजुअल कोर्स है, आपने अगर इनमें से कोई भी कोर्स परचेज किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली ये पीडीएफ आपके कोर्सेज में ऐड हो जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोगों को ये पे करने की या इसमें परचेज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, चलिए, अभी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप मेरे व्यू से आपको लगता है कि नहीं सर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, कन्फ्लिक्ट आ सकता है, आप उसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं डिसेंट लैंग्वेज में, डिसेंट फॉर्म में। ठीक है, जो क्रिटिसिज्म है दैट इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल। ऑलराइट, तो यहाँ पर इस वीडियो को रोकेंगे एंड फिर मिलेंगे किसी कंटेंट वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।